मैं जाऊंगी देवी को सुनाने, तो आप मुझे दिखाओगे अगर वीडियो वहाँ पे बन पाई पॉसिबल हुआ। पहले क्या था कि वहाँ पे घाट था तो नाव से जाके देवी को बीच में सुनाते थे, लेकिन इस बार अमित कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है तो नाव में तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन घाट में जाके नीचे ऐसे सुना के आएंगे। तो क्योंकि मैं बना पाई तो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी, तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ। और मैंने क्या क्या बनाया है, मैंने बनाया है मीठा कद्दू, यानी मीठा भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, पनीर पूरी और हलवा तो बनता ही है। तो वो सब मैंने पूजा वूजा कर ली है, अभी तभी नहा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है इसलिए मुझे बहुत जल्दी उनके सारा काम करना पड़ा है, क्योंकि पहले वो गुरु को सलाह के आना है फिर उनको ड्यूटी जाना है, तो बहुत जल्दी से सारा काम मैंने कर लिया है। चलिए अब हम चलते हैं और वीडियो बना के दिखाते हैं मम्मी क्या क्या कैसे कैसे सुनाते हैं कैसा पार्ट है, ठीक है। हमारे वीर जी अभी सूख के जगह है, फोन चलाना अभी जगती फोन चलाना शुरू कर दिया। मेरा काम सारा हो गया है, अभी थोड़ी देर लगती है नहाने में, सो के लिए उठे हैं और अब देखते हैं कितनी देर लगेगी उनको जाने में, फिर आना भी है, चेंज है। अमित ने 12 घर में ही बजा दिए हैं और उन्हें 1 बजे ड्यूटी पे निकलना है, जिसकी वजह से वे बोल रहे हैं कि हम घाट तक नहीं जा पाएंगे, घाट यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ पे पानी भी कम है, तो नाव से तो देवी को नहीं चला सकते हैं। तो अब प्रोग्राम है कि जो नदी है जो घाट पे होके जाती है वो यहाँ के मतलब 1-1.5 किलोमीटर से शुरू हो जाती है, तो वहीं पे जाएंगे, पता नहीं कैसे कैसे जाएंगे, नदी के यहाँ से स्टार्ट होगी, घाट पे तो रास्ता होता जाने का, अब वहाँ पे तो रास्ता नहीं है। तो आप वीडियो बने रहिए, देखिए आज देवी का विसर्जन होता ही कैसे है, करना तो है ही है, तो चलिए देखते हैं आगे आगे कैसे कैसे होता है। बाय बाय कद्दू देवी मैया से, बाय बाय। कौन सांप आ रहा था पानी का? नहीं नहीं इधर ही आ जा। चल इधर आ जा, पत्थर पे चढ़ेगा। चलो पानी का होता है, चलो चलो। हेलो, सत्या ब्रदर, आ गया सो।